प्यारे दोस्तों, नहीं प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरी सारी वीडियो, मोस्टली वीडियो 99% मेरे प्यारे बच्चों के लिए होता है, जस्ट टू टीच देम द राइट वे ऑफ द सक्सेस, कि सफलता का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम पढ़ें, क्या करें कि हम सफल हो जाए सही समय पर, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को संबोधित कर रहा हूं। जैसे कि इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे को जब डंडा लेके खड़ा हुआ तो एक बच्चे से पूछा कि ये वाला काम आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो उसने बोला कि सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे दिक्कत आ गई थी, इसलिए नहीं कर पाया, आपसे समझना है। मैंने बोला कि वाई टू वेस्ट टाइम, सर के लिए ही क्यों वेट करना, मैम के लिए ही क्यों वेट करना, आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, क्या आप उनसे नहीं पूछ सकते थे। तो आज इसी विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। एक होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको बताने वाला हूं कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। बच्चों देखिए, क्या होता है, कई बार क्या होता है, क्लास में जब हम बैठते हैं पढ़ते हैं तो हमें चीजें समझ में आ रही होती हैं, बट जब घर पे जाकर करते हैं तो हमें दिक्कत आ जाती है। तो आजकल तो भाई किसका जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम अपने मोबाइल का, चाहे जो भी है टेक्नोलॉजी का है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो हमारी समस्या उसी समय दूर हो जाएगी। हम फोटो खींच के अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, और या क्लास में आके जो हमारे पास टाइम मिलता है गपशप मारने की बजाय, हम अपने जो दोस्त होते हैं जो हमसे इंटेलिजेंट है, चाहे जिसको आता है, उससे जाके हम पूछ सकते हैं कि यार बताइए भाई ये किस तरीके से होगा। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? लर्निंग फ्रॉम योर फेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से सीखना। तो इसी विषय में मैंने फटाक देना फोन किया, मैं बोला कि यार तुम लोग अभी इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ते हो कि अपने दोस्तों से पूछ लो, आप लोग नीचे आके खड़े होकर टाइम वेस्ट करते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं है। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पूछ लो, आप जो समय बर्बाद करते हो उस टाइम स्लॉट में आप पूछ भी तो सकते हो। तो बोला यस सर। उसी समय मैंने फोन लगाया और अपने एक परम मित्र जिसको कहते हैं लंगोटिया यार, अपने बिल्कुल एलकेजी क्लास से हमने साथ साथ पढ़ा है प्लस टू तक, जसवंत, उनको मैंने फोन किया एंड ही केम, बोला कि हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा यार। मैंने बोला कि बता इसको हम लोग कैसे पढ़ते थे, किस तरीके से हम लोग पढ़े हैं, तो मतलब हम लोग बेहतर कर पा रहे हैं और बेहतर करने की उम्मीद हमेशा रखते हैं। तो जब मैंने अपने दोस्त को बुलाया तो उन्होंने एक जो चीज है बच्चों को बताया, पी डी सी ए, एक फॉर्मूला बताया पी डी सी ए। यदि आपको ये समझना है, यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो, तो आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी। उस वीडियो में कैसे, जब उन्होंने समझा दिया, समझाने के बाद मैंने बोला कि हाँ कैसा लगा, क्या समझे, तो वो बोले, बच्चे बोल रहे हैं कि सर इन्होंने भी वही बताया जो आप हमेशा से समझाते हो। तो मैं बोला भाई हम बचपन से साथ में ही पढ़े हैं, हम लोगों की जो मेंटेलिटी है सेम रही है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप एक दूसरे से ज्यादा सीखिए, और मित्र उन्हीं दोस्तों को बनाइए जो आपके मतलब पढ़ाई में सहयोग करें। लफंडागिरी, इन सभी प्रकार के जो मित्र हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, कट देम आउट, उनको छोड़ दीजिए, क्या जरूरत है ऐसे मित्रों की। तो जस्ट देखिए क्या बताते हैं, कुछ एक वीडियो मैंने जब याद आया तो बना लिया, तो देखिए मेरे दोस्त ने क्या बताया है। थैंक यू। जॉब मिलेगी, पैसे कमा सकते हैं पढ़ाई से, लेकिन जो बेसिक जो पढ़ाई से हमें सीखना चाहिए ना, वो लाइफ स्किल, जैसे कोई भी काम है उसको, कोई भी हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर हमारे अंदर उससे हमने सीखा क्या, कोई जैसे चैप्टर भी पढ़ाते थे बच्चों को तो उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, वो सिखाते थे ना, वो सारी चीजें काम आएगी बेसिकली लाइफ में। पढ़ाई तो बस एक बार कहीं भी जॉब मिल गई, एंट्री कर गए, वहां घुस गए, लेकिन वहां पे इतना यूज नहीं होता, वहां पे बेसिकली होता है कॉमन सेंस, और आपका कितना किसी भी चीज को देखने का तरीका क्या है, वो सब है हमारा। कंफ्यूजन कब नहीं होगी, जब हमें सब कुछ क्लियर होगा कि भाई हमारे जो डाउट्स हैं, हमें प्रोसीजर पता है कि हमें ये स्टेप से काम करना है, ये चीज फॉलो करनी है। अब जैसे कोई मैथ्स का सम है, स्टेप्स को हमें ध्यान रखना है, वो स्टेप्स, ये स्टेप फॉलो करना है। गलती होती है तो ढूंढोगे तो गलती नहीं मिलेगी, उसको दोबारा स्टेप को फॉलो करो मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट है। और उसको याद करने का तरीका है कि किसी कहानी के रूप में याद कर लो, नंबर के फॉर्म में, या जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उस फॉर्म में भी हम याद कर सकते हैं उसको। सबसे पहले चीज तो समझना होता है,
समझ लेंगे तो फिर उसको अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। उन्हें क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पढ़ते नहीं है, पढ़ते सब, कई लोग 8-8 घंटे पढ़ते फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो हमें वो चीज पढ़ना जिससे हमारा आउटपुट आए पूरा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना उसको लिख लो, जो सबसे इम्पोर्टेंट उसको सबसे ऊपर लिखो, जो मतलब किसी चैप्टर होता है या कोई सब्जेक्ट है उसको भी मतलब इम्पोर्टेंट है उसको सबसे ऊपर से नीचे तक लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो ज्यादा जरूरी है ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जहां जहां वीक है अपने अंदर की चीजों को देखें कि कहां हमारी वीकनेस है, कहां स्ट्रेंथ है, काम अच्छा कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर काम करना होता है। प्लानिंग के अंदर आता है कि हम उसको हमारे क्या क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव है प्लान के अंदर ये होता है, और फिर और हम उसको हम कैसे अचीव करेंगे ये भी प्लान के अंदर आता है। हमारे जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और उसको वे टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हमने प्लान कर लिया हम उस काम को करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या पता पिछला चैप्टर पढ़ना पड़े, वो सब उसके अंदर आएगा, जैसे अगले चैप्टर में यूज हो रहा है पिछला चैप्टर वो सब भी हम उसके तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करेंगे। उसमें इसमें होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग, या तो अपने आप को एजुकेट करो जो पढ़ना है और फिर या फिर कहीं से ट्रेनिंग लो, किसी से सीखो पूछो और फिर उसको काम को करना होता है। इसमें होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें कितना समझ में आया, हमारे मतलब अपने आप को खुद या तो टेस्ट दो पूछो किसी और से पूछो, उसको वो होता है चेक करना अपने आप को खुद चेक कर रहे हैं। उसके बाद होता है एक्ट, अगर हमें कुछ गड़बड़ लगती है तो दोबारा हम प्लान पे चले जाएंगे, अगर वो सही है फिर तो ओके है, अगर ये हमारा एक्ट सही नहीं आता, हम चाहते हैं जो हमारा रिजल्ट है वो सही नहीं आ रहा, तो फिर हम दोबारा से प्लानिंग करेंगे कि हमारी कहाँ कमी रहेगी, हमारे गोल में कमी थी या जो हमने मेथड बनाया था हमें उसको अचीव करने का उसमें कमी रह गई, या हमारी जो हमारी एजुकेशन थी उसमें कमी रह गई, फिर हम प्लान करेंगे दोबारा फिर काम करेंगे। किसी चीज को मतलब कोई चीज ऑर्गेनाइज करनी है, कुछ करना है, कुछ काम को इम्प्लीमेंट करना है, उसमें भी हम कर सकते हैं, तो उसको हम और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त को पकड़ लिया जो सबसे जो हमारी बातों को बुरा नहीं मानता, गलती गलत मानता नहीं है, या कोई भी हो माने भी तो उसको हमें ध्यान नहीं देना है, उसको समझाओ जैसे मैंने ये चैप्टर या टॉपिक है वो मेरे को समझ में आ गया मैं तेरे को समझाऊंगा, उससे क्या होगा उसको तो पता समझ में आएगा ही और हमें भी पूरा क्लियर हो जाएगा, या एक दो चीज वो हमसे पूछेगा तो हमारी चीज और क्लियर होगी। एग्जाम होता था किस सब्जेक्ट का तो इसमें 4-5 दिन की वो मिलता था हॉलीडे, हाँ। तो मेरे दोस्त आ जाते थे घर पे, चार बोले हमें ये समझ पूरा सिलेबस बता दो, क्योंकि कॉलेज में कोई पढ़ाता है नहीं, सारे नोट्स पहले कॉपी करा ली फिर पढ़े नहीं, जब लास्ट दिन होता था तो आते बोले समझाते थे हमें, कॉपी तो करा ली हमने, फिर हमने अपनी प्लानिंग की होती आज मैं ये चैप्टर डिवाइड करूंगा, तो हम सोचते थे ना कि अरे यार मैं अपना कैसे करूं उनको बताऊंगा, तो बैठ जाते थे, लेकिन जब उनको समझाते थे ना तो हमारी खुद की रिविजन हो जाती थी, हमें ऐसा नहीं सोचना कि मैं उसको बताऊंगा तो कुछ होगा गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं है, हम जितना बताएंगे समझाएंगे हमारा खुद का रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी और वो चीज हमें पक्का हो जाएगा। हमने यही बताया है कि जैसे जिंदगी में जो भी अचीव करना है तो अचीव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, फोकस, अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो चीजें आसानी से अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली प्लान डू चेक एक्ट, पहले प्लान करो फिर उसके ऊपर काम करो, चेक करो कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो और फिर काम करो और फिर देखो कि फेलियर कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, अगर दिक्कतें हैं तो उसको रिमूव करो, अदरवाइज सेट द नेक्स्ट प्लान और फिर से उसको अचीव करने की कोशिश करो। तो बस ये मेरा बचपन का दोस्त है जसवंत, ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोग से मिलवाया कि भाई हम लोग बचपन में किस तरीके से पढ़ते थे, जैसे कि एक दूसरे से ज्यादा सीखते थे हम लोग, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स वी यूज टू आस्क, हम आपस में ही पूछ के चीजों को सुलझा दिया करते थे, और जो पीयर स्टडी होता है ना एक दूसरे को समझाने वाली जो पढ़ाई होती है वो सबसे बेस्ट होती है। आगे बात समझ में, तो मुझे उम्मीद है कि मतलब इन सब चीजों का तुम ध्यान रखोगे और आगे से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच जसवंत भाई, थैंक यू। चल आप ये एक फोटो